क्या हो गया, इनको छोटी मोटी हरकत होगी, अपने अच्छे काम से जा रहे, कोई घटना घट गई तो नुकसान हमारा आपका अपने शहर के हो जाता, वो बात भी नहीं होना चाहिए। सर सुनाता बात नहीं, जो बच्चे का किडनी बदलना है जो यहाँ सलवार गोली की गई थी उस खुशी में लोगों ने वहां के एरिए के लोगों ने सिपाहिया प्रोग्राम रखे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपको सब वहां की कोशिश करे। शुक्रिया। तो मेरा ये असर था आज की मीटिंग बुलाने का मकसद, मतलब बाकी लोग के बोलने के मुताबिक आप लोग बहुत सारे लोग सब सुन लेते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ भावी उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं। मैंने मोर्चे का पत्रकार परिषद में उर्दू मराठी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अचानक बुला लिया, और जब मैंने पट्टी की जब मुझे मालूम मिली कि हर घर पे जैसे मान लीजिए हम किसी को 100 रुपया आती है अच्छे घर जो बोलते आते हैं, अब इसे जरूर पट्टी के शहर नहीं रह गया हमारा, पट्टी घर है तो मान लीजिए मुझे नहीं के बराबर है या पत्रे के बन गया। बहरहाल ऐसे बहुत सारे है बच्चिया नहीं है ऐसी नहीं, लेकिन ऐसे किसी पर भी 100 आती किसी को 150 आती किसी को 200 आती होगी, जिसकी ने पर घर के नाम 600 रुपया घंटे चला, जिसको बोलते जो घंटा गाड़ी हमारे घरों पे आती है कचरा उठाने के लिए, जो उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 13 आयोग 14 आयोग 15 आयोग का पैसा आया है, उसके अंदर 50% घर कचरे के लिए इस्तेमाल होता था। 50% के अंदर तुम्हारा कोई कारपोरेशन या नगर पालिका नगर परिषद है तो पानी पट्टी भर के उनको पानी का बिल भरने के लिए शहर का तो अपनी वसूली होते रहते थे। इसी तरीके से बिजली बिल रहता अपना शहर का, अभी अपने करीब करीब में समझता पिछले साल 15 हजार का पैसा था, उसके अंदर से करीब 6 करोड़ रुपए उसके भर दिया उन्होंने। हमारा जो बिजली बिल है पंपिंग दे करके अपने गाँव के लेते पानी, तो ऐसे थोड़ा बहुत अपन खर्च रोड के ऊपर इस्तेमाल कर लिए, तो ऐसे कई काम उसमें कर सकते थे। अभी पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर निकाल दी, नगर पंचायत नगर परिषद नगर पालिका महानगर पालिका या फिर जिला परिषद, ये सबको उन्होंने जीआर में ऐसा लागू कर दिया कि भाई घर कचरे का जो पैसा है वो हर रहवासी से लिया जाए, ये है खुद इनकम सोर्स पैदा करो और अपने शहर में उससे ही साफ सफाई से लेकर के डेवलप से लेकर के करो। अब ऐसे पिछले दिनों आप लोगों ने सुने होंगे कि पूरे शहर बन के अंदर बहुत सारे नए मकान है, नई बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है और हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में भी बनी हुई है, हमारे इलाके में बहुत सारी बंकियां बनी हुई है, आए तो काम चालू रहते हैं मालेगांव शहर में, कोई बात नहीं। लेकिन घर पट्टी बोली रही थी तो एक केंद्र निकला था उसका सर्वे का, तो उसके ऊपर तो ठीक है भाई, जब मैं घर नया बना रहा हूं कच्चा खोल रहा जंगल बनाई का खोल रहा आरसीसी अगर बना रहा तो उसके मुताबिक घर पट्टी लगने की इससे मैं सहमत हूं। ऐसा नहीं कि सहूलत सब चाहिए, पानी भी चाहिए सफाई भी चाहिए है ना, रोड रास्ते भी अच्छे हो रहा वो आता ठीक था, लेकिन आपको जो कि समझ में नहीं सर जो सर्वे सर्विस के जगह ऐसा नहीं है, असल में नया किया रहा है। और जैसे अच्छा मैंने बताया सबके मैंने बताया ये एक व्यक्ति से समझो मैं समझता हूं नया था जो अपना लगता है ना, वहां से वो जहां रेपो की बचना शुरू होती है उसके बिल जो देना शुरू करते हैं वसूली साल भर चलती इस तरीके से उसके ऊपर है वैपेक्षीय सब हो सकता है आरसीसी के ऊपर गुजारा हो रहा अच्छे घर पे अलग 600 है, तो ये बड़ा बोझ मालेगांव शहर के
हर व्यक्ति के ऊपर, हर घर घर के ऊपर कच्चा पक्का मीडियम क्लास हो सबके ऊपर लगने वाला है। और उसकी वजह यह है कि जैसी बात है पिछले जब जैसे अब सब मैंने बताया कि आसिफ भाई बोलते थे कि बिजली का केंद्र भर में दे रही है, दे रही है, लेकिन हमारे गांव में जब जागरूक और बाद में होता है उसकी वजह ये जान लो क्या हाइपो लगाई गवर्नमेंट क्या है। आखिर में ऐसा करते करते वो लागू हो गई, इधर निकल गया। आज मैं शहर परेशान, मुझे हमारी भी गलतियां है नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन अब हम लोग हमेशा सस्ता बिजली इस्तेमाल करते आए, वर्षों से हमारे माँ बाप इस्तेमाल करते आए। शहर बढ़ रहा, आबादी बढ़ रही, हर जगह बिजली किल्लत हो रही, ठीक है गवर्नमेंट ने कर डाला और हम देखते रहेगा और हम परेशान हो बच्ची का भी यही है। अभी खुद को बिजली का मोर्चे हो गया करके नवंबर में निकलने वाला, तो ये अपने एक तरह लोग आ गए, इसका मतलब अपना मसला हल हो गया, यहाँ पे आके ऐसा नहीं होगा। जब मैंने यहाँ पे पत्रकार परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोला एक मोर्चा निकाला जाएगा तो है कोई बच्चे लोग पिछड़ा लगते हैं, बोले वो बुजुर्ग हिरत जो करते थे वो उनकी नजर है। अरे आप लोग तो सब करीब करीब दवा जुड़े यहां पर, मैं जब इसके अंदर उतरा तो टक्करे मोर्चे आप लोग निकालते थे, निकालते रहेंगे नहीं तो मैं किसी सीख कर भी आया था। यही आप लोगों के भलबुद्धि पे अल्लाह के रहम करम से बड़े बड़े 10-10 हजार का मोर्चे आप लोग हम लोग निकाले, कारपोरेशन में भी ले गए, म्यूनिसिपलिटी में भी ले गए, फ्रांस में भी ले गए, तो इस तरीके से हमको खुद ही भी गए, किसी की नकल वगैरह नहीं करते आप, है ना। आसिफ में पैदल गए, आप लोग कई लोग गए पैदल, तो ये मैं खुद जब खाली नगर से होता तो हम वहां धरना देने के वजह कई दिन तक कहां से नहीं मंत्रालय के पास, अंसारी साहब से सीखा होगा, अंसारी साहब जो करते थे उन्होंने वो सीख लिए, तो बहरहाल ये वो बात हुई सीखने और सिखाने के लिए। ये शहर के लिए बहुत तकलीफ दे मसला है, लोगों के ऊपर आफत एक तरीके की आ रही, मालिकों की तरफ मंदी बहुत कई वर्षों से कई महीनों से चल रही है, मंदी सुधर भी नहीं दे रही, बिजली भी सुधर भी नहीं दे रहा। इस तरीके से हमको ये बड़े गवर्नमेंट के ओर से हमारे ऊपर लाभ देने वाले, इसलिए हमको उसके अंदर जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होके अपना विरोध नोट करना पड़ेगा। जैसे हमने प्रेस लिए उसके बाद एक लिखी जाकर के दूसरे दिन हमने शकील बेग और असलम भाई हम लोगों ने जाकर निवेदन दिए, लेकिन हम दिन ऐसे सोच रहे थे कि यार हमारा प्रशासन क्या है, वह एक तो है प्रशासन क्योंकि वहां पर बहुत ही नहीं, इसलिए प्रशासक भी उठ रहा अपनी मर्जी चला रहा है, तो ये आपको ताकत बताना ही पड़ेगी। अगर नहीं आपने हमने शहर के लिए अच्छाई के लिए गरीब भाइयों के लिए मजदूर भाइयों के लिए मीडियम क्लास के लिए उसके अंदर सब आ गया, अमीर भी आ गया गरीब भी आ गया, लेकिन ठीक है जो अच्छा कारोबारी है पैसे वाला है उसका ध्यान रखे पुलिस वगैरह फोन करते मीडियम क्लास के लोग गरीब भाई चीज के ऊपर ज्यादा बोलता, क्योंकि उसके अंदर बाकी लोग ऐसे भी शामिल होते जो कारोबारी
क्योंकि उनको नहीं समझता कि सारे फ्लॉप हो जाने वाला है। इसके लिए मेरी सब लोग से गुजारिश है, आज आप लोगों को यहां सुन के ये भूल जाना ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने मशवरा किए, पहले मैंने प्रेस में बोला था 2 नवंबर क्लियर कर रहा था, कुछ वजह से इसको गांव में ही माहौल बनना चाहिए ताकि गांव के अंदर इसकी चर्चा अच्छी हो, हर बस्ती में हर मोहल्ले में। तो वहां से ज्यादा तेजाज में हमको हर जगह से हर बार से बोलना चाहिए, सबको उम्मीदवार हो उम्मीदवार नहीं हो, भाभी हो या माजी हो, हजार से बात कर लो लोगों को एक एक मोहल्ले से ये कराने की गुहार गुहार बोल तो 4 पेपर का है, पिछला 3 का होता है 4 का होता है, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ले दी। कल परसों जो मैंने सुना फडणवीस साहब और ये शिंदे साहब हमारे सीएम साहब, हमारी बोल तो पार्टी कोई भी है महाराष्ट्र के है ना, तो जनवरी का बोल तो ठीक है जब भी होगा वो अलग विषय, लेकिन हमको आज एक पहला मोर्चा निकाल के और फिर हर बार से हमको इसके बाद धरना देते रहेंगे है ना। चक्री को बताए जैसे थे एक ये एरिया का धरना आंदोलन होना चाहिए, दूसरे एरिया का धरना आंदोलन, ये मोर्चे की बात कर। तो अभी हम लोगों ने जो तय की मोर्चे का वो 9 नवंबर बुध के दिन आएगा, ये आने वाला बुध मैंने तय किया था, लेकिन यहां से अब अपने लोग कितने दिन है आज और 4-12 दिन, तो जितने लोग यहां बैठे अपने अपने एरिया में उसकी तैयारी करें, भावी हो माजी हो, और ये खाली कोई हम भी उसके अंदर मुलविस है, हमारे ऊपर भी आने वाली बात है, हम भी तो वही रहते तो सब मिलकर के ताकत से बड़ा मोर्ची की शक्ल बनना चाहिए, और रेटेडी के पास हम जमा हो गए है ना 3 बजे तक, 3 बजे बोलो 3:30 बज जाते लोग, और वहां से अभी रोड अक्रम भाई शकील भाई ऑफिस के जो जिम्मेदार उनको बना देंगे, मेरे लीडर एक जो पा रहे परमिशन दाखिल करेंगे मोर्चे का रूप, मैं ऐसा चाहता हूँ खिलवाड़ हो उसके बाद सरदार डाकि का हो, ज्यादा लोग थके भी हैं, लोगों को क्या है मोटरसाइकिल पे चलने की आदत होगी लोग थक भी जाते हैं, इसके लिए यहाँ से मैं पहले सोच जाता पार्टी आती से आगे बढ़ते क्योंकि लंबा बहुत पड़ जाएगा, इसलिए हमको सबको यहाँ जमा होना है दिल्ली के पास सेतु की आज्ञा के पास, आप लोग वहां से लाल लाल के सबको वहां जमा करना है, अपने पास एक जगह आएगा काफी ये साइड में है ना इंजरी की तरह, ये साइड में इस तरीके से पब्लिक ला के आपको रोकना रहेगा, मैं खुद वहां रहने वाला हूं, और हो सके ये एक्टिव जो मां बहन एक्टिव है ना जो एक्टिव सकती है पार्टी से है ना, तो ऐसे लोग को भी लाने की कोशिश करें उसकी बहुत ज्यादा तुलना, क्योंकि जेंट्स और लेडीज में सब गड़बड़ हो जाती है ना, तो 200-300-500 लोग तो बहुत है इससे ज्यादा नहीं, लेकिन एक मोर्चे ये बहुत जरूरी हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों को इस बात के लिए आज ये मीटिंग बुलाया था मैंने है ना, तो मेरी गुजारिश है आप लोग से कि इसको खाली यहां सुनकर भूल नहीं जाएगी, आप लोग आपसे तैयारी में रहोगे मैं भी जा घूमूंगा जो एरिया में जाऊंगा जहां अपने लोग मिलते जाएंगे उसको बोलते जाऊंगा है ना, 9 नवंबर बुध के दिन 3 बजे वहां आना है, और वहां से हमको मोर्चा कारपोरेशन के ऊपर ले जाकर के कोई खरपसाद ना करे, कोई ऐसी मजाक जैसा ना हो, क्या होता है उनको छोटी मोटी हद्दत होगी अपने अच्छे काम से जा रहे कोई घटना घट गई
तो नुकसान हमारा आपका अपने शहर के हो जाता, वो बात भी नहीं होना चाहिए। जो नारे बनाएंगे तो वही नारा दिया जाएगा, उससे आगे कोई नारा नहीं रहेगा। ऐसी मेरी आप लोग से गुजारिश है, और आप लोग आए मेरे बुलाने थे पार्टी के जिम्मेदारों ने सबको फोन किया कल। हाँ कल सनातनवाद ने जो बच्चे का यदि बदलना है जो यहाँ सलवारी घोषित की गई थी, उस सूची में लोगों ने वहां के एरिए के लोगों ने सिपाही प्रोग्राम रखे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपको सब वहां की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।